हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आई क्रिकेटियन स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान पुलिस 2019 अब वर्दी दूर नहीं दोस्तों, जनरल विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूं। दोस्तों ये डेली लाइव क्लासेज होती है 12:30 बजे, तो आप डेली जुड़ना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों आज ये 8वीं क्लास है आपकी, तो आप देख सकते हो सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप देख नहीं पा रहे हो यहाँ पर। दोस्तों जो भी जुड़ना चाहता है वो जल्दी से जुड़ जाइए और व्हाट्सअप ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं अपने साथ, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए, यस लिख दीजिए कि हम जुड़ चुके हैं, तो आप भी जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलते हैं अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कौन कौन से प्रश्न है मैं दिखा देता हूं आपको, जो भी प्रश्न है इस अभी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन। तो कौन कौन से प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हो ये पूरे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इन प्रश्नों का भी आपको जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोवा। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण ये क्या होता है, दूध खट्टा होता है, लैक्टोज इसमें बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसी के कारण यह क्या होता है, दूध खट्टा होता है। चलते हैं अगले सेकंड प्रश्न की तरफ। सभी दोस्तों ने फर्स्ट प्रश्न का राइट आंसर दिया, इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, पेचिस, दमा, कुष्ठ, ये सभी। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा, जरूर कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, पेचिस, दमा, कुष्ठ, ये सभी। तो दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा दूसरे का, तो दूसरे का होगा दोस्तों कुष्ठ। तो कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम जो विषाणु है उसकी खोज किसने की थी, इवानोस्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस, स्मिथ। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा चौथे तीसरे प्रश्न का, तो दोस्तों आपका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इवानोस्की, इवानोस्की ने राइट आंसर हो जाएगा आपका, सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरह, चौथा प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, तो आपको बताना है मिलेस्टीन, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से राइट आंसर बताना है, मिलेस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। तो आप चौथे प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। सभी दोस्तों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया दोस्तों, तो एडवर्ड जेनर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलते हैं चौथे पाँचवें प्रश्न की तरफ, पांचवा प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो आपको बताना है दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है, तो उसका कारण है आपको बताना है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, अच्छा सा प्रश्न था दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने इसका राइट आंसर भी आपको बताया था। तो आपको पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर देना है। तो दोस्तों इसका कारण एक बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया का नाम क्या है आपसे ये पूछा जाएगा, तो बैक्टीरिया होता है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया के कारण दूध से दही में बनता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्वपोषी है, शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोवा। तो दोस्तों छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि आपका राइट आंसर हो सके, गलत होगा तो आप अगले प्रश्न में कोशिश कीजिए ताकि आपका अगला प्रश्न सही हो सके। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए छठे प्रश्न का, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है, तो शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोवा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन, यानी कि शैवाल, शैवाल बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, तो वो होता है शैवाल, स्वपोषी होता है। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, सातवां प्रश्न है, टीका रोग किस में होता है? तो टीका रोग किस में होता है आपको बताना है, ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर भी कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में।
टीका रोग किस में होता है? तो आपको बताना है ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। तो सातवें प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मूंगफली, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीका रोग किस में होता है? मूंगफली में टीका रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका HIV द्वारा होने वाला रोग। तो HIV ह्यूमन इंटरस्टिशियल वायरस, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ह्यूमन वायरस होता है एक, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका किसके द्वारा होता है, कौन सा रोग होता है? HIV के द्वारा। HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, कैंसर से रोग, आतंक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आठवें प्रश्न का, तो दोस्तों आठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा HIV से कौन सा रोग होता है? कैंसर का। HIV कैंसर का रोग होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका नवा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यशमा, चेचक, पीलिया। तो नवे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, चेचक। तो आपको याद भी रखना है चेचक की टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर, ऐसे भी याद रखना है। तो आपको एक प्रश्न से दो प्रश्न याद रखने दोस्तों, कभी भी चेचक का नाम आता है तो आपको याद रखना है चेचक क्या किससे फैलता है, विषाणु से। तो चेचक क्या होता है आपको याद रखना है, किसकी को इसकी खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। तो ऐसे आपको एक एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन याद रखने हैं तभी आप क्वेश्चन याद रख पाओगे, कुछ भी नाम आता है दो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगला है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आपको बताना है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आपको राइट आंसर है इसका बताना है दोस्तों। तो जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए आप दसवें प्रश्न का। तो दसवें प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जो कि मैं बताने जा रहा हूँ अभी हाल ही में। तो दोस्तों जल्दी से किसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेमिनेरिया। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लेमिनेरिया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों आप सभी का। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न किससे होता है आपको बताना है, विषाणु, जीवाणु, इष्ट, प्रोटोजोवा। तो दोस्तों 11वें प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा जी दोस्तों बिल्कुल विषाणु, यहाँ पर आपका राइट आंसर है कौन सा, विषाणु। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते? तो निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते, विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आपका चारों में से राइट आंसर हो जाएगा आपका 12वें प्रश्न का। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, विषाणु। निम्नलिखित में किसे एंजाइम नहीं है तो वो होता है विषाणु में, आपका राइट आंसर होगा। अगला है 13वां प्रश्न, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पैचिस, मम्स, हाइड्रोफोबिया। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा, 13वें प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप, इसका हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो आपने देख लिया। चलते हैं अगला प्रश्न, सार्स SARS क्या है? तो आपको बताना है सार्स क्या है। तो दोस्तों 14वें प्रश्न का राइट आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। तो दोस्तों सार्स एक विषाणु जनित रोग है, क्या है, विषाणु जनित रोग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्स क्या है, एक सार्स एक विषाणु जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर अगला प्रश्न है दोस्तों, कसरा निम्नलिखित में संक्रमण के कारण होता है? तो कसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो किसके कारण होता है आपको बताना है। तो दोस्तों आप 15वें प्रश्न को देख पा रहे होंगे, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि क्या होगा, विषाणु। तो निम्नलिखित में से कसरा बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों, आलू में मोज़ेक रोग का कारण है? तो आलू में मोज़ेक रोग जो होता है उसका क्या कारण है? तो इसका आपको बताना है, फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा 16वें प्रश्न का, तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विषाणु, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलू में मोज़ेक रोग का कारण है विषाणु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 17वां प्रश्न की तरफ। तो जंतुओं में होने वाली कूट एंड माउथ
रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो जंतुओं में होने वाली कूट एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, शत्रुवेगा। तो शत्रुवेगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली कूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। सेवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यूटीन, काइटिन, सुबेरिन, सेलुलोज। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप 18वें प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से, शैवालों से। तो 19वें का राइट आंसर क्या होगा, तो 19वें का होगा समुद्री शैवालों से। केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प किससे प्राप्त होता है, समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है केल्प। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मांस, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20वें प्रश्न का, तो 20वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो जल्दी से आप कमेंट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न का आपको आंसर देना बहुत ही जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। लाल सागर रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल के कारण होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।